हमारा मन कहाँ उलझता है, कहाँ हम भ्रम में पड़ते हैं और भ्रम में पड़कर उलझ जाते हैं। भ्रम क्यों होता है? अज्ञान, अविद्या के कारण। किसी दिशा, किसी विषय का सही ज्ञान न होने के कारण हम भ्रम में पड़ते हैं और उलझते हैं। ये जो पूरी सत्ता है, सत्ता की समग्रता, इसको हम तीन भागों में विभाजित कर लें, तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, या और तीनों भागों में जो भ्रम है, अविद्या है, उसे दूर कर दें तो कहीं उलझने के, भटकने की नौबत ना आएगी। गहराई से जब मनन करते, चिंतन करते हैं तो भ्रम दूर होता है। कई बार हम अपने मिथ्या अहंकार में, स्वार्थ में पड़ जाते हैं, दूसरे के मन को, विचार को समझने का प्रयास नहीं करते, परंपरा से जो ज्ञान हमें प्राप्त है उसको हम सही मान लेते हैं, निष्पक्ष विचार नहीं करते, तत्वों के जो गुणधर्म हैं उस पर सही विचार नहीं करते, तो भ्रम में पड़ते हैं, उलझ जाते हैं और बाहर भी भटकते हैं, भीतर भी भटकते हैं, न व्यवहारिक जगत में हम सुखी रह पाते हैं, न आध्यात्मिक विकास कर पाते हैं, दुगदुगी मन में बनी रह जाती है। पूरी सत्ता को हम आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तीन रूपों में विभाजित कर समझ सकते हैं, और तीनों क्षेत्रों में भ्रम में जीता है आदमी। ये तीन अविद्याएं हैं, आधिदैविक क्षेत्र की अविद्या, आधिभौतिक क्षेत्र की अविद्या और आध्यात्मिक क्षेत्र की अविद्या। इन तीनों से जो ऊपर उड़ जाता है वह कहीं उलझता नहीं, भ्रम में नहीं पड़ता है, उसका व्यावहारिक जीवन तो बढ़िया होता ही है, वह आध्यात्मिक दिशा में भी आगे बढ़ता चला जाता है। इन अविद्याओं को रात कहा गया है, और रात का मतलब ही है अंधकार, भटकने का समय। कठोपनिषद में यह कथा आती है
कि जब नचिकेता का पिता नचिकेता पर क्रुद्ध हो गया, नचिकेता ने पूछा था कि पिताजी आप मुझको किसको दान कर रहे हैं, जब तीसरी बार पूछा तो क्रुद्ध हो गया और कहा जा मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता चले गए यमराज के यहाँ। यमराज उस समय बाहर थे, घर में थे नहीं। घर के लोगों ने कहा कि वो बाहर गए हैं, रुको खाओ पियो आराम करो, तीन दिन बाद आएंगे, तब उनसे मुलाकात होगी। कहा गया वहाँ पर कि नचिकेता वहाँ पर तीन रात तक यम की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज आए, लोगों ने बताया, तब यम नचिकेता से मिले और कहा नचिकेता तुम तीन रात तक मेरी प्रतीक्षा करते रहे, इसलिए तुम तीन वर मांग लो। तो तीन रात तक प्रतीक्षा की मतलब तो तीन दिन बीत रहा होगा, बिना दिन के रात कैसे होगी। लेकिन तीन दिन तक प्रतीक्षा किए नहीं बात आती है, तीन रात प्रतीक्षा किए, रात की बात आती है। अथर्ववेद में जहाँ कहा गया है आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भमंतः, तम तीर्थरात्रि विभर्त, तम तीर्थरात्रि उर्द्रे विभर्त, तम जातम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा। आचार्य गुरु शिष्य को अपने पास खींच लेने वाला होता है और खींच कर उसे अपने गर्भ में ले लेता है। शिष्य तीन रात तक गुरु के गर्भ में रहकर जब वहाँ से पैदा होता है तब उसको देखने के लिए देवता सज्जन लोग आते हैं। यहाँ भी कहा गया तम तीर्थ रात्रि उद्रे विभर्त, तीन रात का ये बात आई है। तो तीन रात है तो तीन दिन भी तो होगा, लेकिन दिन नहीं कहा गया, तीन रात कहा गया। तो तीन रात का मतलब है तीन प्रकार की अविद्या, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। हम तीनों को थोड़ा थोड़ा समझें। आधिदैविक का अर्थ होता है देव संबंधी अविद्या, देव जिसका आधार हो वह आधिदैविक है। देव का अर्थ है प्राकृतिक शक्ति, प्राकृतिक जगत, प्राकृतिक शक्तियों को वैदिक परंपरा में देवता मानकर उनकी उपासना में सैकड़ों सैकड़ों मंत्र वैदिक ऋषि बनाते रहे हैं। चांद, सूरज, सितारे, आकाश सब ऊपर में है, देवलोक, देव जो चमकता है। ये दुनिया को देखकर आदमी के मन में सहज जिज्ञासा होती है कि आखिर ये दुनिया कहाँ से आई, कैसे बनी, किसने बनाई, वो कौन है जिसने दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले की कल्पना होती है। और ये कल्पना कहो या प्रश्न कहो आज का नहीं,
अत्यंत पूरा काल से है, सब समय रहा है। सहज रूप से हम जानते हैं कि बिना बनाए कोई चीज बनती नहीं है, हर चीज का बनाने वाला होता है। तो हमारे मन में शंका उठती है, जब कोई चीज बिना बनाए बनती नहीं है, हर चीज का बनाने वाला होता है, तो दुनिया को आखिर किसने बनाया होगा, दुनिया बनाने वाला कौन है? कह दिया जाता है भगवान है दुनिया बनाने वाला, भगवान ने दुनिया बनाई। कुछ कहना है बस। और आज भी इस बात को मान दृढ़ता से मानने वाले बहुत लोग हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान ही दुनिया को चला रहा है। क्यों? आधि दैविक अविद्या, जो जड़ तत्व है, जड़ शक्ति, उसके गुणधर्मों को न समझने के परिणाम स्वरूप एक कल्पना होती है कि दुनिया को कोई बनाने वाला होगा। यह प्रश्न सब समय रहा है। ऋग्वेद में ही कहा गया है, को ददर्श प्रथमं जायमानं अस्थनवन्तं यत अनस्था विभर्त। को ददर्श, किसने देखा है प्रथमं जायमानं, पहले पहले उत्पन्न होते हुए को, अस्थनवन्तं यत अनस्था विभर्त। अस्थनवन ये स्थूल जगत, पार्थिव जगत जो हम देख रहे हैं, धरती को तो देखते ही हैं, ऊपर आकाश में चांद देखते हैं, सूरज देखते हैं, अनेक तारों को देखते हैं, ये सब स्थूल है, पार्थिव है। यद अनस्था, अनस्था का मतलब है सूक्ष्म, हड्डी रही सूक्ष्म प्रकृति, जो सूक्ष्म प्रकृति इस स्थूल जगत को धारण करके घूम रही है या धारण की हुई है, उस सूक्ष्म प्रकृति को पहले पहले उत्पन्न होते किसने देखा है, एक प्रश्न है। आखिर जब ये भी होता है कि जब कुछ था नहीं तो कहाँ से आ गया, कैसे हो गया? नाहदा सिन्नो सदा से तो दानिम नासी दर्जो न व्योमा परोयत, ये ऋग्वेद के नाहदी सूत्र का मंत्र है। पहले सत नहीं था, असत नहीं था, आकाश नहीं था, कुछ नहीं था, तब सब कहाँ था, ये कहाँ से आ गया? सब कुछ एक गहरे अंधकार से ढका हुआ था, इसे कौन जानता है? तो हाँ, ये भी कहा गया है इसका जो अध्यक्ष है, जो अंतरिक्ष में बैठा हुआ है, अध्यक्ष एक ईश्वर की परिकल्पना है, वह अंतरिक्ष में बैठा हुआ है, वही इसको जानता होगा। लेकिन इसी ये भी कह दिया है, हो सकता है उसे भी यह मालूम ना हो कि दुनिया कहाँ से आ गई। तो सब समय जिज्ञासा रही है, और जब तक दुनिया है तब तक रहेगी। दुनिया सब समय है तो सब समय रहेगी रहेगी। क्यों ऐसा होता है? जड़ चेतन के जो गुणधर्म है, उन गुणधर्मों का ज्ञान न होने के कारण अक्सर लोग गड़बड़ी यह करते हैं कि जब
दुनिया का विश्लेषण करते हैं, दुनिया को समझना चाहते हैं, जड़ तत्वों को समझना चाहते हैं, तो समझने के पहले उसके ऊपर एक दैवी शक्ति या ईश्वर को बैठा देते हैं। निरपेक्ष होकर के अध्ययन नहीं करते, ईश्वर के सापेक्ष में ही जड़ तत्वों का अध्ययन करने लग जाते हैं। जब आपने पहले से ही एक ईश्वर को मान लिया है, बैठा लिया है, तब ये कल्पना तो करेंगे करेंगे कि हाँ, ये ईश्वर ने बनाया, ईश्वर चला रहा है। दैवी शक्ति को हटा करके जड़ तत्वों का अध्ययन करें। हर जड़ तत्व में उसके अपने मौलिक गुणधर्म हैं, गति है और क्रिया है। कोई भी जड़ भौतिक द्रव्य बिना गति और क्रिया के रह नहीं सकता, ये उसकी संपत्ति है, ये स्वाभाविक है। उसमें गति स्वाभाविक, उसमें क्रिया है। किसी ने उसमें क्रिया डाली नहीं है, किसी ने उसमें गति उत्पन्न नहीं किया है। मौलिक गुण है ये गति और क्रिया जड़ द्रव्यों के। बिना गति क्रिया के कोई जड़ द्रव्य रह नहीं सकता है। जिसमें स्वाभाविक गति हो उसी को तो जड़ तत्व कहा जाता है, जड़ द्रव्य कहा जाता है। और जब उनमें गति और क्रिया है तो गति और क्रिया होने से जड़ तत्व के जो परमाणु हैं आपस में मिलते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं। परमाणुओं का आपस में संयोग और वियोग होता रहता है। उसी संयोग और वियोग में से वस्तुओं का बनना और बिगड़ना होता रहता है। एक नियम है उनका अपना। नियम को समझ लें, यद्यपि हम पूरा का पूरा समझ नहीं सकते। आज वैज्ञानिक भी, आज का विज्ञान युग है, बहुत कुछ समझ लिए हैं, लेकिन अभी भी इस अनंत ब्रह्मांड प्रकृति के सारे रहस्यों को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस नियम को समझ लें कि कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्टः। कारण के गुण पूर्वक ही कार्य में गुण देखे जाते हैं। तो हर जो जड़ द्रव्य है एक कारण है किसी कार्य का, उनमें नियम है उनके अपने। वहीं पर एक ही जमीन है, एक ही खेत है, उसी खेत के एक कोने में आप नींबू का पौधा लगा दें, वहीं पर थोड़ी दूर में आप गन्ना बो दें, और वहीं थोड़ी दूर में आप मिर्चे का पौधा लगा दें। जमीन एक है, पानी आप बराबर दे रहे हैं तीनों को, खाद भी दे रहे हैं, लेकिन नींबू के जो बीज है उसमें अपना एक नियम है, अपने गुण है कि उससे जो खींचेगा नींबू से जो फल फलेगा वो खट्टा ही होगा, खटाई ग्रहण करेगा उसमें से। गन्ना मिठास ग्रहण करेगा। वही खाद, वही पानी, वही जमीन, वही वातावरण, वही जलवायु है। और मिर्चा में जो फल फलेगा वो न खट्टा होगा न मीठा होगा, वो तीखा होगा। ये तो उसके अपने गुण धर्म है। इसमें क्या कोई भगवान बैठ करके वहां ये कर रहा है, घुसा हुआ है वहां पर भगवान के, हाँ इसमें से खट्टा इकट्ठा न करना, इसमें मीठा, इसमें तीखा। बबूल के बीज लगा दो, बबूल के बीज रोक दो, जो पौधा आएगा वो कांटेदार होकर के ही निकलेगा।
पीपल के बीज बो दो, उसमें पौधा निकलेगा, उसमें कहीं कांटा होगा नहीं। उसके अपने नियम हैं, उसके अपने गुणधर्म हैं। हम इसे समझने का प्रयास नहीं करते, पहले से मान लेते हैं कि जड़ तत्व तो गतिहीन है। जड़ द्रव्य गति कैसे कर सकते हैं, वो तो गतिहीन है। ईश्वर उसमें गति डालता है, तो ईश्वर ने क्यों गति डाल दिया पहले अमुक समय में, क्यों डाला? कारण क्या था डालने का? मान लिया गया कि जड़ द्रव्यों में गति नहीं होती है, लेकिन कोई भी जड़ द्रव्य बिना गति के रहेगा ही नहीं, ये उसकी मौलिक संपत्ति है। लेकिन चूंकि हमने ईश्वर मान रखा है पहले से, तो जब ईश्वर मान लिया है तो कोई काम तो देना पड़ेगा ना, काम बताना पड़ेगा ना, बैठे बैठे कहाँ तक खिलाएंगे उसको। तो कह देते हैं कि ईश्वर गति करता है, डालता है, ईश्वर अपने संचालन करते, ईश्वर बनाता बिगाड़ता रहता है। और इसमें बहुत लोग उलझे, बहुत लोग उलझे हुए हैं। पानी नहीं बरसता है, आवर्तन हो जाता है, तब कितने कितने प्रकार के पूजा पाठ, नमाज, हवन, तर्पण, क्या क्या किया जाता है। चाहे जितना भी कर लो आप, जब तक वर्षा होने की भूमिका तैयार नहीं होगी, ऐसा वातावरण तैयार नहीं होगा, जल वाला बादल वहाँ इकट्ठा नहीं होगा, तब तक कुछ भी कर लो, अखंड जागरण करो, कीर्तन करो, पाठ करो, यज्ञ करो, हवन करो, पानी नहीं बरसने वाला है। और जब योग्यता हो जाएगी, वैसे वातावरण तैयार हो जाएगा, वैसे भूमिका तैयार हो जाएगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नियम है उसका अपना। तो जड़ तत्वों को समझना होगा, उनके नियमों को, उनके गुणधर्मों को समझ लें, तो आधिदैविक जो अविद्या है वो दूर हो जाएगी। प्रश्न, कुछ लोग प्रश्न ये भी करते हैं कि आकाश में इतने तारे लटके हुए हैं, उसको किसने जमा दिया है, वो गिरते क्यों नहीं है नीचे? हमें समझ नहीं पाते कि हर जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, सबका अपना एक गुरुत्वाकर्षण है, और सभी अपने अपने गुरुत्वाकर्षण के बल पर वहां रुके हुए हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि भगवान ने पेशकश से कस दिया होगा उसको वहां पर। और ये ऊपर नीचे कौन ऊपर है, कौन नीचे है, किसको आप ऊपर कहो, किसको आप नीचे कहोगे? हम धरती में हैं, देखते हैं आकाश की तरफ, चांद ऊपर दिखाई पड़ता है, सूरज ऊपर दिखाई पड़ता है, अन्य ग्रह ऊपर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चांद पर या ग्रहों पर चलो जाओ तब वो नीचे दिखाई पड़ जाएगा, धरती ऊपर दिखाई पड़ेगी। सब घूम रहे हैं अपने अपने जगह पर। इसमें किसी ईश्वर के या दैवी शक्ति कल्पना करने की जरूरत क्या है? बस जड़ और चेतन दोनों के गुणधर्मों को समझ लें। आधिदैवी जगत में तो खाली जड़ तत्वों के गुणधर्मों को समझ लें। हर जड़ तत्व में गुण है, धर्म है, क्रिया है, शक्ति है, मेल है और आकार है। इनसे ही सब संयोग और वियोग होता रहता है, मिलन विस्मरण होता रहा, चीजें बनती रहती है। दूसरी अविद्या है आधिभौतिक, भूत जिसका आधार हो। भूत के अनेक अर्थ होते हैं, भूत का अर्थ तत्व भी है, भूत का अर्थ होता है एक भूत प्रेत, मतलब जो भूत है जो काल्पनिक है, भूत का अर्थ
बीता हुआ समय भी होता है। यहाँ भूत का अर्थ है प्राणी। प्राणियों की विष अविद्या उलझन, प्राणियों में खास करके मनुष्यों, अन्य जो प्राणी हैं, कोई आप जानवर पाले हैं, कुत्ता बिल्ली गाय घोड़ा या अन्य जानवर, उनके चारे का प्रबंध कर दें, समय से पानी पिला दें, कहीं खूंटे में कोई छाया में बांध दें, बस वहाँ से उलझन नहीं आएगी, वहाँ तो कोई विवाद नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगी। उलझने आती है मनुष्यों के व्यवहार से, क्योंकि हर मनुष्य के पास अपना मन है, उसके अपने संस्कार है, रुचियाँ हैं, मान्यताएं हैं, विचार है, उसका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है, अहंकार है, और सामंजस्य न बैठाने पर इसी में विवाद होता है, कलह होता है, शिकायत होती है, और उलझ उलझ करके आदमी जिंदगी भर दुखी बना रह जाता है। पहले हमें ये समझना होगा, जैसे मेरे पास मेरा अपना मन है, ऐसे ही हमारे साथियों के पास, अन्य मनुष्यों के पास भी उसका अपना मन है। जैसे मैं अपने ढंग से सोचता विचारता हूँ, वैसे अन्य लोग भी अपने से सोचते विचारते हैं, और हर आदमी वही काम करता है जिसे उसका मन अच्छा समझता है। अब वो अपना अच्छा समझ रहा है, हमारे मन का अनुकूल नहीं होता, हम मान लेते हैं हमारे विपरीत काम कर रहे हैं, हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, हम उलझ जाते हैं। और इसके पीछे मुख्य कारण है अपना अहंकार और कामना। जितना जितना हमारा अहंकार बढ़ा चढ़ा होगा, उतने हम उलझेंगे, उतने दूसरे की बातों से, दूसरों के व्यवहार से हमें चोट लगेगी, और जितनी कामना होगी, हम चाहेंगे कि लोग मेरे अधिकार में रहें, अधिकार में करने की जो लालसा है, ये लालसा विवाद का कारण बनती है। कौन किसके अधिकार में रहा है आज तक, सदा कौन किसके अधिकार में रह सकता है? अपने को अपने अधिकार में रख लें, अपने मन को अपने अधिकार में रख लें, अपने मन पर विजय प्राप्त कर लें, उसे स्वस्थ कर लें, तो दूसरे किसी अन्य को अधिकार में करने की, उन पर विजय प्राप्त करने की, उसके अपने अधीन बनाए रखने की लालसा ही नहीं होगी। और जितना जितना हम दूसरों को अधिकार में करने का प्रयत्न करेंगे, सोचेंगे, उतना उतना हम उनके अधिकार में होते चले जाएंगे, विवाद बढ़ेगा, कलह बढ़ेगा, शिकायत बढ़ेगी। परस्पर साथ रह करके जीवन का निर्वाह होता है, व्यवहार का काम होता है, भौतिक उन्नति होती है, तो परस्पर में जो बन सके सहज सेवा का, प्रेम का व्यवहार कर ले, एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का पालन कर ले, लालसा ना रखें किसी से, कामना ना रखें, अधिकार में करने की चेष्टा ना रखें, तो उलझन नहीं आएगी। जितना निष्काम रहेंगे उतने आप सुखी रहेंगे, उतने विवाद से, उलझन से, शिकायत से बचे रहेंगे। हम सेवा कम करते हैं, प्रेम का व्यवहार कम करते हैं, कर्तव्य का पालन कम करते हैं, कामना ज़्यादा बना लेते हैं, और यही कामना उलझाती है, यही कामना हमें दुखी बनाती है। जितना हमारा मन निष्काम होगा,
अधिकार की लालसा से रहित होगा, उतना हमारा विवाह दूसरों साथ सुंदर होगा, हम भी सुखी रहेंगे और अन्य लोग भी सुखी रहेंगे। कोई भी ये हो, किसी को दबाने की चेष्टा ना करें। हम दबाना चाहते हैं, लदना चाहते हैं दूसरे पर, जितना दबाना लदना चाहते हैं उतना ही क्लेश होता है। स्वयं सोच लें, जब मैं दूसरों के अधिकार में रहना पसंद नहीं करता, मैं वही काम करना चाहता हूँ जिसे मेरा मन अच्छा मानता है, तो यही बात दूसरों के लिए समझ लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम समझते हैं मुझे तो स्वतंत्र रहना है, किसी के अधिकार में नहीं रहना है। हाँ, सब मेरे अधिकार में रहे, मुझे किसी का भी सहना नहीं है, लेकिन सब लोग को मेरा सहना होगा। मुझे किसी की बात नहीं मानना है, लेकिन सबको मेरी बात माननी होगी। ये जो भावना होती है, यही भावना व्यवहार को बिगाड़ती है। अपने को बड़ा मानना छोड़ दिया जाए, दूसरे लोग बड़ा मानते हैं, उनका मन है। व्यवहार में किसी को एक बड़ा तो मानना पड़ता है, अगुआ बनाना पड़ता है, लेकिन व्यवहार है। लेकिन गुरुदेव जी संदर्भ में प्रायः कहा करते थे, घर का जो मुखिया है, समाज का जो अगुआ है, मठ का जो महंत है, दूसरे लोग भले उसे बड़ा माने, आदरणीय माने, श्रेष्ठ माने, लेकिन उसे चाहिए कि वो समझे कि मैं समाज का मुखिया या मालिक नहीं हूँ, किंतु समाज का एक सेवक हूँ। मुझे सेवा करने का अवसर मिला हुआ है। लेकिन हम जहाँ थोड़े से पुराने होते हैं, थोड़ा हमारा अनुभव बढ़ जाता है, थोड़ा अधिकार मिल जाता है, फिर हम समझ लेते हैं मैं दूसरों से ज़्यादा योग्य, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा कर्मठ, तभी मुझे ये अधिकार दिया गया है। बस अहंकार गांठ लेते हैं। अब फिर इस अहंकार का जिंदगी भर उलझते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं कि कोई हमारी बात नहीं मानता, कोई हमारी बात नहीं सुनता। दूसरों की बात मानते जाओ, सुनते जाओ, आपकी बात लोग मानते और सुनते चले जाएंगे। किसी की बात मानना है, किसी से अपनी बात मनवाना है, तो पहले उसकी बात स्वयं मानना पड़ेगा। उसकी बात जितना मानते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो उतना उसके मन में हमारे लिए प्रेम होता जाएगा। और जब प्रेम होता जाएगा, प्रेम हो जाएगा, तब हम अपनी बड़ी से बड़ी बात उसे मनवा सकते हैं। और लेकिन हम दूसरे की बात मानना तो दूर, सुनना भी नहीं चाहते, और चाहते सब मेरे बात सुने। जब आप सुनना नहीं चाहते, दूसरा आपकी बात क्यों सुनेगा? अपने को पहले एक समाज का सेवक मान ले। किसी को भी कोई पद दिया गया हो, घर में ही है, घर का एक ना कोई कोई ना कोई तो मुखिया होता है, एक संचालक होता है, समाज का, पार्टी का, देश का, आश्रम मठ का कोई ना कोई एक संचालक या मुखिया तो होता ही है। वो ये समझ ले कि मुझे सेवा का अवसर दिया गया है, लोगों ने ये समझा है कि अधिक सेवा कर सकते हैं, मुझे सेवा के लायक समझा गया, इतने लोग, मैं ये काम ना करता, मैं ये जिम्मेदारी ना लेता तो भी काम तो होना ही था।
ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रहता या मैं ये काम नहीं करूंगा तो ये काम नहीं होगा, काम तो हो करके ही रहेगा, लेकिन मेरा सौभाग्य कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, मुझे ये काम सेवा करने का अवसर दिया गया, अहंकार कहाँ से पैदा होगा, कला कहाँ से पैदा होगा। कहा जाता है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बनने के कुछ दिनों पश्चात अपने गांव गए जन्मभूमि, तो अनेक जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी, अन्य लोग थे, वो लोग भी मिलने आए जिनके गोद में वो खेले थे, बजन पड़े थे। तो उन्हीं में से एक बूढ़ी माता ने कहा, अब उसे क्या पता कि राष्ट्रपति कौन होता है, क्या इज्जत है, कैसे है, उसमें इतनी सुरक्षा व्यवस्था तो रहती नहीं थी। उन्हें एक बूढ़े माता ने कहा, क्यों रे राजेंद्र, वो थोड़ा सा कि राष्ट्रपति है, कहा क्यों रे राजेंद्र, मैंने सुना है कि तू दुनिया का सबसे बड़ा अफसर हो गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, नहीं माँ, मुझे तो देश का, भारत का, अपने देश का सबसे बड़ा सेवक बनाया गया है। उन्होंने कहा था कि तुझे मैं सुना कि तू देश का सबसे बड़ा अफसर हो गया, कहा नहीं, मैं देश का सबसे बड़ा सेवक बनाया गया हूं। अहंकार कहां से आएगा, चोट कहां से लगेगी। उलझने का कारण है अपने को दूसरों से ज्यादा बड़ा और योग्य मान लेना, समझदार मान लेना, फिर उलझन और शिकायत के अलावा, दुखी होने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। जिंदगी बीत जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे और अंत में उलझते उलझते, चिढ़ते चिढ़ते, दुखी शिकायत करते करते दुनिया से विदा हो जाएंगे, कहीं सुख शांति का अनुभव नहीं हो पाएगा, निश्चिंत होकर के प्रसन्न मन से हम जीवन जी नहीं पाएंगे। तो मनुष्यों के बीच रह करके उलझन से शिकायत से बचना है तो दूसरे के अधिकारों की रक्षा करनी होगी, उनके मन की रक्षा करनी होगी, उनकी कुछ बात माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ये करते जाएं जो आप चाहते हैं, फिर धीरे धीरे उनसे मनवा सकते हैं। बस अहंकार, कामना और व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ दें। जितना हम निष्काम होकर कर कामना रहित होकर के निष्काम होकर के काम करेंगे, समाज उतना हम पर ध्यान देता चला जाएगा। और हम चाहें कि समाज के लोग मेरे लिए ऐसा करें, वैसा करें, वैसा करें, वैसा करें, फिर तो समाज के लोग भी ध्यान देना बंद कर देंगे, क्योंकि सोचे भैया इसी इच्छा पूरी होती नहीं है, जितना करो इसी कामना बढ़ती जाती है, फिर वो लोग उपेक्षा करना शुरू कर देंगे। उपेक्षा होगी तो सोचेंगे देखो कोई मेरी बात मानता नहीं है, सुनता नहीं है, मैं सम्मान नहीं देता। सम्मान पाने की इच्छा क्यों, सम्मान लायक काम किया जाए, अपने आप सम्मान मिल जाएगा। तो आधिभौतिक अविद्या क्या है, दूसरे के मन को, विचारों को न समझना, समझने का प्रयास न करना, हर जगह अपनी बात को ही ऊपर रखना, दूसरों पर लादते चले जाना, अपने अहंकार और स्वार्थ की पूर्ति करते चले जाना, उलझन तो आएगी। अहंकार को छोड़ दें, कामना छोड़ दें, व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ दें, सेवा करना शुरू कर दें। जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना, कर्तव्य का पालन करना शुरू कर दें, सब बढ़िया होता चला जाएगा। हम भी प्रसन्न रहेंगे और दूसरे भी प्रसन्न रहेंगे। तीसरा क्षेत्र है आध्यात्मिक। आत्मा जिसका आधार हो, मन, बुद्धि,
शरीर, इंद्रियां, इन सब का आधार कौन? आत्मा, इस जीव, चेतन। स्वरूप का अज्ञान, इसमें तो प्रायः हर आदमी पड़ा हुआ है, भ्रम में है। अब भ्रम में पड़ने का एक मुख्य कारण है, शास्त्रों में लिखी गई, धर्म ग्रंथों में लिखी गई अनेक प्रकार की उलझनपूर्ण बातें। लोग समझने का प्रयास नहीं करते, जब इस जीव है जिसे हम चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, राम कहते हैं या अन्य शब्दों से इसे व्यक्त करते हैं, वह अनादि है, अनंत है, तो किसी से बनेगा क्यों वह? किसी से निकलेगा क्यों? और किसी में मिलेगा क्यों? एक और लोग कहते हैं कि जीव अखंड है और निर्विकार है, विकार रहित है। फिर कहते हैं मुक्त होकर के जीव ईश्वर में मिल जाएगा। ईश्वर भी अखंड है, ईश्वर भी निर्विकार है, और कहते हैं कि जब मुक्त हो जाएगा तो जीव ईश्वर में मिल जाएगा। ये समझने का प्रयास नहीं करते कि अखंड में अखंड मिलेगा कैसे, एक अखंड दूसरे अखंड में कैसे मिल जाएगा। जीव विकार, जीव निर्विकार है, ईश्वर निर्विकार है, तो निर्विकार में निर्विकार मिलेगा कैसे? मिलना सदैव विकारी वस्तुओं में होता है, परिवर्तनशील वस्तुओं में होता है। निर्विकार और निर्विकार में कभी मिलना होगा ही नहीं। न एक जीव दूसरे जीव में मिल सकता है, न ये जीव किसी ईश्वर या किसी अन्य में मिल सकता है। बिना विकार के मिलना संभव ही नहीं है। और जो यदि कोई चीज जीव ईश्वर में मिल गया, इसका मतलब जीव विकारी हो गया, ईश्वर विकारी हो गया, और विकारी चीजें बदल जाती है। वो विकारी चीजें अविनाशी नहीं होती है, तो अखंड भी नहीं रह जाएगा। थोड़ा सा निष्पक्ष होकर चिंतन करने की जरूरत है। निष्पक्षता के अभाव में, चूंकि पूर्व के महापुरुषों ने कहा है, हमारे गुरु ने लिखा है, धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जी ईश्वर में मिल जाएगा, ईश्वर से निकला हुआ है, इसलिए लोग संदेह में पड़े रह जाते हैं। आध्यात्मिक अविद्या में ये भी बात आती है कि जीव मुक्त होकर के कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, उसे ये कहा जाए कि मुक्ति का अमुक देश है वहाँ जाएगा, तब हाँ तब तो ठीक है, कम कम रहने जगह तो चाहिए जहाँ ठंडी गर्मी से बच सके वह। क्यों? जीव के स्वरूप का बोध न होने के कारण। जब मुक्ति में है तो आना जाना कहाँ होगा, वह कहीं गया तो फिर तो मुक्त हुआ नहीं, फिर वहां से फिर लौट आएगा, खदेड़ दिया जाएगा, तब कहाँ जाएगा फिर वह। जीव जब स्वरूपता अकेला है, असंग है, निर्विकार है, तो मुक्त होकर के कहाँ जाएगा, वह अपने आप पर रह जाएगा। अब अपने आप कहाँ रहेगा, किस जगह रहेगा, ये बताने की चीज नहीं है, बताया नहीं जा सकता। विवेक द्वारा ही इसका
समाधान हो सकता है, क्योंकि उसे हम कैसे देखें। हम लोग कहते हैं कि जी को देखा जाए। देखोगे कैसे? देखने के जितने भी साधन हमारे पास है, हमारे शरीर की इंद्रियां भौतिक है, अन्य बाहर के जो साधन हैं भौतिक है, तो अभौतिक जीव को भौतिक जो स्थूल साधन हैं उनसे देखेंगे कैसे आप? हाँ, लेकिन आप तो हैं ना, मैं हूं, ये बोध हो जाना। क्योंकि अपने होने में कभी किसी को भ्रम नहीं है। क्या जब से हम सब यहाँ जितने बैठे हैं, जरा सोचें कि जब से हम लोगों ने होश संभाला, कुछ जानने बुझने लायक हुआ, तब से लेकर के आज तक कभी आपको एक क्षण के लिए ये महसूस हुआ कि मैं नहीं हूँ? हर क्षण मैं की प्रतीति हर आदमी को होती रहती है। मैं हूँ इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यही सबको प्रमाणित करने वाला है। सर्वसत्तानाम प्रमाणम अहम एव ही, सारी सत्ताओं का प्रमाणित करने वाला कौन? मैं। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, अस्ति कश्चित् स्वयं नित्य अहम प्रत्यय लंबना अवस्थात्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षण। अस्ति कश्चित्, कोई है स्वयं नित्य, जो नित्य है और स्वयं है, अपने आप है। कैसा? अहम प्रत्यय लंबना, अहम मैं, प्रत्यय ज्ञान बोध अनुभव, लंबना आलंबन आधार, मैं बोध का आधार, मैं हूं इस ज्ञान का आधार, कोई एक नित्य सत्ता है, वो कौन है? मैं, आप, हर व्यक्ति का अपना आपा। अब वो अवस्थात्र साक्षी सन, जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का दृष्टा है। जागते हैं आप, अभी जाग रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव हो रहा है, देख करके खाना पीना व्यवहार आप कर रहे हैं। जब सो जाते हैं, अर्धनिद्रित सपना देखते हैं, सपने को भी आप जानते हैं, और जाकर कहते हैं कि आज मैंने ये सपना देखा, उसमें सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, रागी होते हैं, विरागी होते हैं, वो लेकिन आप तो जानते ही हैं। सुसुप्ति प्रगाढ़ निद्रा, उस समय आप नहीं जानते, उसमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उस समय भी आप जान रहे हैं, उस समय आप थे। जब जागते हैं तब आप कहते हैं कि आज मैं ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना। वो कुछ नहीं को कौन जान रहा था? क्या आप गायब हो गए थे? यदि आप नहीं थे तो कुछ नहीं जाना इसको कौन जान रहा था? आप ही तो जान रहे थे ना। और पांच कोष अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इनसे भी जो विलक्षण है वो कौन है? आप, आपका होना। चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, इसलिए संदेह हो जाता है कि जीव कहाँ से आ गया, कैसे बन गया। इसलिए कह दिया जाता है कि ईश्वर अंत जीव अविनाशी, या उसमें मिल जाएगा। विचारें, किसी के कहने से उसको सही न मान ले, स्वयं विचारें, निष्पक्ष होकर विचार करेंगे। आध्यात्मिक संदेह में यह भी संदेह होता है कि संत लोग महात्मा लोग कहा करते हैं, ध्यान करोगे, साधना करोगे,
तो मन ठहरता है, मन रुकता है, मन शांत होता है। ज्ञान वैराग्य संयम साधना के पथ पर चलोगे तो सारे बंधनों और दुखों की निवृत्ति हो जाती है, जीव का कल्याण हो जाता है, जीव मुक्त हो जाता है। पता नहीं होता भी है कि महात्मा लोग ऐसे ऐसे खाली गप मार रहे हैं, क्योंकि हम डूब करके साधना का काम नहीं करते, देखने के लिए करते हैं। चलो तो देख लेते हैं, 7 दिन बैठ करके मन रुकता है नहीं रुकता है। अब वहां कर रहे हैं मन नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, ये बराबर चिंतन चल रहा है, कहां से रुकेगा। हमने कुछ दिन ध्यान किया, चिंतन किया, ध्यान का अभ्यास किया, साधना किया, मन नहीं रुका, मन नहीं ठहरा, तो हमने एक सिद्धांत बना लिया कि मन कभी ठहरने वाला नहीं है, ठहर नहीं सकता है। ये जो गति मुक्ति की कल्याण की बात कहते हैं, ये भी केवल कल्पना है, महिमा परक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि समर्पित होकर के डूब करके साधना का काम नहीं करते। पहले भी समझ लें, जिस मन को हमने अनादिकाल से चंचल बनाया है, अनादिकाल की बात छोड़ दें, उसका हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन इस जीवन में जब से होश संभाला है तब से लेकर आज तक 10, 20, 25, 30, 40, 50 साल, 70 साल तक हमने मन को चंचल बनाने का, उद्वेगित बनाने का, विकारी बनाने का, बहिर्मुख बनाने का काम किया है। और 40-50 साल का पुराना अभ्यासी बहिर्मुख चंचल मन चाहते हैं कि 4 घंटा में ठीक हो जाए। जिस मन को आपने चंचल बनाने में 20 साल का समय लगाया है, तो कम से कम 10 साल का समय तो लगाओ, आधा समय उसको शांत करने के लिए। देखो शांत कभी क्यों नहीं होगा। और रही बात मन की जो तृष्णा है, वासना है, इसका शमन होना, मिटना, आप इच्छा छोड़ते चले जाओ, कामना छोड़ते चले जाओ, मन के विकार छोड़ते चले जाओ, देखेंगे धीरे 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 आप याद करना छोड़ दो। जिसकी जिसकी आप याद करना छोड़ते जाओगे, उससे उससे आप मुक्त होते चले जाओगे। ये नियम है, जिसकी जिसकी हम बराबर याद करते हैं, हम उससे उससे बंधे होते, वो चीज़ हमारे सामने रहती, चाहे वो हजार को दूर पर ही हो। अभी आप यहाँ बैठे हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया है, घर में रखी किसी चीज़ के भी आप याद करो, वो तत्काल आपको सामने आ जाएगी, वो चीज़ आप बंध जाओगे। और अभी समय याद नहीं है, उसके लिए न कोई सुख है न कोई दुख है, वो चीज़ को किसी ने तोड़ दिया, उठा लिया, चुरा करके ले गया, कोई मतलब नहीं आपको। तो ऐसे ही ऐसे दृश्य, ऐसे सुनना, ऐसे खाना, ऐसे सोचना, ऐसी क्रिया जिनसे मन उत्तेजित होता है, विकारी होता है, चंचल होता है, उनकी याद करना बंद कर दें, उनको दोहराना बंद कर दें, देखेंगे उसकी वासना धीरे धीरे शांत होती चली जाएगी, उसे आप मुक्त हो जाओगे। सम्यक चिंतन की आवश्यकता है और सम्यक साधना, सम्यक आचरण की आवश्यकता है। निश्चित है सही बोध होगा अपने स्वरूप का और साधना में सही प्रगति भी होगी। जब हम सही चिंतन नहीं करते, आग्रह रहित होकर चिंतन करते हैं, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा लिखा है, हम लोग अक्सर कह देते हैं, क्या पहले के बड़े बड़े लोग जो लिखे हैं झूठे थे, उन्होंने झूठ लिखा, वेदशास्त्र लिखी हुई बातें झूठ हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने झूठ कहा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बातें झूठ लिखी हुई है, लेकिन विचारो तो भला, चिंतन तो करो, विवेक तो करो, तर्क तो करो कि बात सच हो सकती है या नहीं। जब आप परंपरा निरपेक्ष होकर, महापुरुष निरपेक्ष होकर के, ग्रंथ निरपेक्ष होकर के चिंतन करोगे, तब सही बोध होगा।
और डूब करके जब साधना करेंगे तब तो मन शांत होगा, तब तो भ्रांति दूर होगी, उलझन दूर होगी। तो चाहे वह आधिदैविक क्षेत्र की अविद्या हो, चाहे आधिभौतिक क्षेत्र की अविद्या, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र की अविद्या, मुख्य रूप से आधिदैविक और आध्यात्मिक क्षेत्र की जो अविद्या है, इसमें जो उलझन है, सही चिंतन के अभाव में है। वस्तुओं के तत्वों के जो गुणधर्म हैं, विश्व के जो नियम हैं, उनको न समझने के अभाव में है। जड़ चेतन का जो सम्यक बोध है, जड़ चेतन के अपने भिन्न भिन्न जो गुणधर्म है, भिन्न भिन्न जो लक्षण हैं, उनको न समझने के अभाव में वे उलझन है। हम जड़ चेतन को, जड़ को जड़ के रूप में, चेतन को चेतन के रूप में, दोनों पृथक पृथक समझें, उसके ऊपर पहले से किसी को लादे ना, निरपेक्ष अध्ययन करें, तो भ्रम की गुंजाइश न होगी, उलझन की गुंजाइश न होगी, सही बोध हो जाएगा। रही बात आधिभौतिक क्षेत्र की उलझन, मनुष्यों के बीच जो व्यवहार, उसमें अहंकार, कामना, मिथ्या स्वार्थ को छोड़ करके काम करें, छोड़ करके व्यवहार करें, दूसरे के विचारों को, दूसरे के मन को भी समझने का काम करें, तो यहाँ भी उलझन नहीं आएगी, हम भी सुखी रहेंगे और दूसरे भी सुखी रहेंगे। तो सही चिंतन, निष्पक्ष चिंतन, जड़ तत्वों के गुणधर्मों का सही विवेक, अहंकार, कामना, मिथ्या स्वार्थ, इनसे ऊपर उठ करके जब हम विचार करें, चिंतन करेंगे, कर्म करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो सारी उलझनें मिटती चली जाएगी। फिर हम उलझन रहित, शिकायत रहित, भ्रम रहित होकर के जीवन जिएंगे, सही रास्ता मिल जाएगा, और भीतर भी शांत रहेंगे और बाहर भी शांत रहेंगे। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम,